और क्या चीज़ है रमज़ान में करने की? सदका खैरात। सदका खैरात में इनके उनके जरिए से बटाने बटा देने वगैरह के यहाँ वहाँ दे देने के बजाय अपने रिश्तेदारों का दूर दूर तक पता करो, आपके रिश्तेदार, आपके वालदा की रिश्तेदार, आपके वालिद के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के हालात मालूम करो आप। हम लोगों को क्या है, खाली एक अंदाजा, खाली फिगर है तो सब अच्छे अच्छे बोल के हमारा पेट भर गया तो हम क्या समझते, सबका पेट भरा है समझते। कितने लोगों की क्या हालत होती है, बीच में चेंजेस होते रहते हालात के। बाद लोग ऐसे रहते हैं कि माशाल्लाह उनकी नौकरी भी रहती, तिजारत भी रहती, लेकिन उनकी आमदनी 10,000 रहती है, उनका कंपलसरी खर्च 15,000 रहता, रोजे से लगे हुए रहते वो लोग, मगर उनका लाजमी खर्च 15,000 रहता, उनकी आमदनी 12,000 रहती है, तो वो ज़कात के मुस्तहिक भी रहते वो लोग, ज़कात के मुस्तहिक भी रहते, इमदाद के तो मुस्तहिक ही रहते। आम तो इस पर ऐसे घर वालों के पास जिनके पास नौकरी भी है, इज्जत वाले हैं, उनके घर में सोना भी रहता, सामान भी रहता, मगर वो लोग ज़कात के मुस्तहिक रहते, कानूनी एतबार से देने नहीं आता। अपन क्या करना, मुलाकात कर ले के भाई तुम्हारे पास सोना अपरा है तो बीवी को दे दो बोलना। अब उन लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं रहता बीवी का है कि शोहर का भी है, उनको बोलना भाई आप नियत कर लो जितना सोना है बीवी का है, ताउन मर्द को करवा, ताउन मर्द को दीजिए, तो शर्त भी पूरी हो गई, मुस्तहिक को भी बात पहुंची। तो आप पता करके दो भाई इमदादें, और सिर्फ ज़कात ही नहीं देना है, गैर ज़कात भी देना। तो आप लोग मालूम करो रमज़ान में रिश्तेदारियाँ मजबूत होना, हमारे दूर दूर के रिश्तेदार को भी समझ में आना मेरा भी कोई है फिक्र करने वाला बोले सा। तो आप देखो आपके रिश्तेदारों में बहुत दूर दूर देखे तो बहुत लोग मिल जाते, पर्सनली पहुंचाओ उनको, तन्हाई में पहुंचाओ उनको, फ़ोन करके किसी के तरह से भेजो। ये अल्लाह की रहमत को खींचने का बहुत प्यारा तरीका है, किसी का हम ख्याल करेंगे अल्लाह हमारा ख्याल करेंगे।